स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। और आज हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देश की राजधानी नई दिल्ली तक चलने वाली ट्रेन नंबर 12229 लखनऊ मेल लखनऊ नई दिल्ली, जो चलती है लखनऊ जंक्शन से, जो लखनऊ की छोटी लाइन है, स्टेशन कोड LJN है, और यहाँ से वाया मुरादाबाद हापुड़ के रास्ते ये जाती है आपका नई दिल्ली के लिए। तो अभी मेरा जो रिजर्वेशन है ये है 3rd AC कोच में, कोच नंबर है B2। एक बार चल के आपको इंटरव्यू दिखा दूँ। वैसे काफ़ी सारी ट्रेन के AC कोचेस का मैं इंटरव्यू दिखा चुका हूँ, LHB कोचेस में इंटरव्यू सब कुछ सेम ही होता है, बट आज लखनऊ मेल का एक बार आपको इंटरव्यू दिखा देते। और ये गाड़ी इस रूट पर चलने वाली अकेली सबसे VIP गाड़ी है, और इसके बाद चलती है लखनऊ AC एक्सप्रेस, जो इसके जस्ट एक घंटे बाद यहाँ से मौसम देख सकते हैं टेम्परेचर साथ लखनऊ 14 डिग्री हो रहा है, टाइम हो रहा है 9:52। और लखनऊ जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म है ये आपका डायरेक्ट रोड से कनेक्ट है, इसके उस तरफ में वहाँ पर है सामने आपका लखनऊ NR का स्टेशन, जहाँ पे आपके आगे जाने वाली अयोध्या प्रतापगढ़ बनारस की ट्रेनें आती हैं। और जो ट्रेनें लखनऊ तक आती हैं दिल्ली से या कहीं से, ज़्यादातर यहाँ पर LJN के स्टेशन पर ही उनको रोका जाता है। तो आप देखिए अकेला ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका पूरा रोड से कनेक्ट है, तो गाड़ी वगैरह सब कोई आ रहा है तो अगर बाहर से आपको पार्किंग में दिक्कत है, आप वहाँ से करके यहाँ ला सकते हैं आराम से, यहाँ से अपनी ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। तो सामने ये है अपना कोच B2। चलिए एक बार आपको मैं ट्रेन का कोच का इंटीरियर दिखाता हूँ। ये कोच के बाहर का एरिया है जो आपका गेट के पास का होता है, और टॉयलेट वगैरह दिखा देते हैं लखनऊ मेल के AC के ज़्यादा टॉयलेट। यहाँ पे ज़्यादा कुछ साफ सुथरा है नहीं, जैसे स्लीपर के टॉयलेट में स्मेल वगैरह आती है सेम उसी तरीके से स्मेल वगैरह आ रही है। तो ये VIP गाड़ी है इस रूट की, और इस ट्रेन का ये हाल ऐसा, ये देखो मुझे समझ नहीं आता कि मतलब रेलवे इस ट्रेन को प्रायोरिटी क्यों नहीं देती है। इस ट्रेन में सबकी सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई होनी चाहिए, इससे ज़्यादा साफ़ सफाई आपको लखनऊ से नई दिल्ली चलने वाली AC एक्सप्रेस में मिल जाएगी। बट अब क्योंकि लखनऊ मेल में इतनी साफ़ सफाई क्यों नहीं है इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी गंदगी आप देख रहे हो जबकि इतनी मोस्ट प्रायोरिटी वाली ट्रेन है ये इस रूट की। तब ये हाल है कोच इसका। और एक बार आपको इंटीरियर में दिखाता हूँ चल के कोच के अंदर साफ़ सफाई कितनी है, और जो हमारी सीट है वो भी दिखा देता हूँ एक बार। और देखो मेरी सीट यहाँ पर, ये 44 लोअर है। सामान रखने के लिए आपको सीट के नीचे प्रॉपर यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, साथ में देखो अपनी ये बेडिंग वगैरह मिल गई है पहले से। ट्रेन यहाँ पर 9 बजे प्लेटफॉर्म पे लगा दी गई थी, बट मैं बाहर शर्मा भोजनालय गया था खाना खाने हुए, तो लखनऊ जब भी आता हूँ मैं शर्मा भोजनालय जाता हूँ खाना खाने। तो देखो ये बेडिंग वगैरह दे दी गई है, ये टेबल है यहाँ पर, सामने बॉटल वगैरह लगाना चाहे यहाँ लगा सकते हैं, कोई भी अपना सामान रखना है यहाँ रख सकते हैं। बड़े यहाँ पे कर्टेंस वगैरह है, और रात में रीडिंग वगैरह कुछ करना है तो रीडिंग के लिए आपको यहाँ पर लैंप वगैरह मिल जाता है, बढ़िया रीडिंग लैंप। और यहाँ पर सीट के पास ही आप जैसे चार्जिंग पोर्ट लगा है हर एक सीट के पास है, यहाँ भी सामने लोअर सीट पर लगा हुआ है, ऐसी अपर सीट पे भी ऊपर देख सकते हैं चार्जिंग पोर्ट वगैरह है, लाइट वगैरह है, और अपर सीट में भी आपको मिल जाएगा बॉटल रखने के लिए, बॉटल होल्डर वगैरह यहाँ लगा हुआ है। लोअर सीट में तो आपको बॉटल होल्डर यहाँ इसके मेज के नीचे मिल जाता है, बट बाकी सीट पर आपको सीट के साथ ही मिल जाएगा। तो ये अपना इंटीरियर है कोच का। तो यहाँ टाइम हो चुका है 10:03, और हमारी ट्रेन ऑन टाइम लखनऊ जंक्शन से 10 बजे ही डिपार्चर ले चुकी है। कृषक एक्सप्रेस ट्रेन हमारी लखनऊ जंक्शन से निकल चुकी है, और जैसा आप जानते हो रात में 10 बजे लखनऊ से चल रही है, और सुबह 6:30 इसका नई दिल्ली पहुंचने का टाइम है। तो रात में तो बाहर का कुछ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी स्टेशन के स्किप अगर हो सके तो थोड़े बहुत आपके लिए रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, नहीं तो मॉर्निंग का भी रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन वो भी उस केस में अगर ट्रेन फॉग होने की वजह से डिले होती है तो, क्योंकि अभी धीरे धीरे जैसे जनवरी चल रहा है, जैसे जैसे जनवरी खत्म हो रहा है फॉग धीरे धीरे ट्रैक पर से खत्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर ट्रेन हमारी थोड़ी बहुत डिले होती है तो मॉर्निंग का थोड़ा बहुत सीन आपके लिए दिखा दे। टाइम हो चुका है रात के 22:30, 10:30 हो चुका है, और बर्थ पर अपना बेडिंग वगैरह मैंने बिछा ली थी, चल के सोया जाए, खाना पीना खर्च चुके हैं। बाकी लखनऊ मेल में पेंट्री कार्ड तो है नहीं, तो आप चाहे तो स्टेशन से खाना ले सकते हैं या फिर ई कैटरिंग आप यूज कर सकते हैं, वो भी उस केस में जब तक आपकी ई कैटरिंग ट्रेन के चलने से पहले आपको अवेलेबल है आप उस टाइम तक खाना मंगा सकते हैं। बाकी बर्थ पे चल के सो रहे हैं, सुबह आपसे मुलाकात होगी, और जैसे मैंने बताया अगर थोड़ा बहुत स्किप स्टेशन का भाग कुछ आ जाता है तो आपके लिए रिकॉर्ड
करके आपको दिखा दिया जाएगा। ओके गुड नाइट। तो ट्रेन हमारी लखनऊ स्टेशन पर डिले हो गई है 37 मिनट का, और ट्रेन हमारी स्किप कर रही है काकोरी स्टेशन। और काकोरी बारे में जैसा आप जानते हैं, हिस्ट्री किताब में आपने पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो मेंबर थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन सब ने मिलकर काकोरी पास 1947 की आज़ादी से पहले जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी उस टाइम काकोरी में इन्होंने अंग्रेजों की ट्रेन का खजाना लूटा था। तो ये वही काकोरी स्टेशन है। उसके बाद ट्रेन क्रॉस करेगी मलियाबाद, और मलियाबाद फेमस है अपने दशहरी आम के लिए। जो मलियाबादी आम होते हैं यूपी में वो सबसे स्वादिष्ट होते हैं, तो वो यहीं से आते हैं। तो अभी जो इसका नेक्स्ट हॉल्टिंग स्टेशन आएगा, ये आएगा आपका हरदोई, उसके बाद आप देखिए शाहजहाँपुर, फिर बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़, गाज़ियाबाद, नई दिल्ली। लखनऊ से चलने वाला ट्रेन अपने पहले हॉल्ट हरदोई जंक्शन पहुंची है, और डिपार्चर सिग्नल हो चुका है। ट्रेन का यहाँ हॉल्ट टाइम है 3 मिनट का, 3 मिनट रुकी ट्रेन और यहाँ चलने तैयार है हरदोई में। अगर आप ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं रात में, अगर आप ट्रेन आपकी ट्रेन लेट है, तो यहाँ पर सामने एसी वेटिंग हॉल भी है, तो यहाँ चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत से लोग जो कमेंट में पूछते हैं कि भाई इस स्टेशन पर वेटिंग हॉल है, अवेलेबल है कि नहीं, जहाँ स्लीपर है एसी का हो, तो अगर हरदोई से आप ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं या हरदोई में आप कहीं रहते हैं और यहाँ से आप ट्रेन बोर्ड करें जैसे मैंने बताया, तो वेटिंग हॉल आपके लिए यहाँ अवेलेबल है। और ट्रेन देख लो अब हमारी यहाँ से निकल चुकी है। ट्रेन अपनी
जर्नी पहुंच चुकी है गाजियाबाद जंक्शन और गाजियाबाद से आगे नई दिल्ली निकल चुकी है और अपनी जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप समझ सकते हैं रात की जर्नी थी इसलिए ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं पाया, सीधे मॉर्निंग में आपसे मुलाकात हो रही है और अभी भी देखो बाहर अंधेरा ही हो रहा है। सुबह के 7:15 हो चुका है, 6:30 का टाइम था और 7:15 पे लगभग 15 मिनट की डिले के साथ यहाँ पर आई है ट्रेन। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और सफ़र में आने वाली नई ट्रेन जाने के साथ, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।